हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आज जो सीजीएसआई परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें गणित के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज आई थी जिसमें मैंने बताया था कि किन प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं गणित में, और बिल्कुल क्वेश्चन का जो स्तर था और बिल्कुल कई क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम उठ करके आए हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के राइट हैंड में नजर आ रहा होगा, तो फटाफट देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। देखिए यहां पर इन्हें किससे विभाजित होगा? ऑप्शन है 11 16 25 और 30। देखते हैं इन सभी संख्याओं में ऐसा कौन सा अंक है जो सभी में प्रेजेंट है, तो 3 की घात 25 जो है सब में उपस्थित है। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 3 की घात 26 में से 3 की घात 25 बाहर निकल गया, तो 3 की घात 1 बचेगा। 3 की घात 27 में से 3 की घात 25 बाहर निकल गया, 3 की घात 2 बचेगा। 3 की घात 28 में से 25 निकल गया, 3 की घात 3 बचेगा। इसका मतलब 3 की घात 25 वन प्लस ये 3 ये 9 और ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 3 की घात 25 3 और 1 4 5 13 27 और 13 40। अब ये जो संख्या है 3 की घात 25 × 40 किस संख्या से विभाजित होगी ये हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए, क्या 11 से विभाजित हो सकती है क्या? तो 11 से विभाजित होने वाला अंक तो इसमें से कोई हमको नजर आ ही नहीं रहा है, 40 तो होगा नहीं, और 3 का कोई भी मल्टीपल 11 से विभाजित हमको होते नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। 16 से विभाजित हो सकता है क्या? देखिए मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि ऑप्शन भी आंसर है, लेकिन क्या है उसमें आपको ये भी पता होना जरूरी है कि बाकी ऑप्शन से डिविजिबिलिटी यहाँ पर गलत क्यों हो रही है। 16 अगर होता तो 16 को मैं 4 × 4 करता तो 4 से 40 तो कट जाता, लेकिन 3 का मल्टीपल ऐसा कौन सा है जो 4 से कटेगा? नहीं कर सकता, तो इसलिए 16 भी आंसर नहीं हो सकता। 25 होता तो 25 अगर देखेंगे तो 16 के लिए 25 देखेंगे तो 25 को मैं 5 × 5 कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कर लेंगे 5 × 8 = 40 ये तो कट रहा है, लेकिन 3 का कौन सा मल्टीपल है जो 5 से कटता है ये बताओ? कोई नहीं। इसका मतलब हम 30 करके देखते हैं। अब 30 से अगर हमको चेक करना है तो मैं इस प्रकार से करता हूँ, 1 0 1 0 जाएगा। ठीक है, 3 का कौन सा मल्टीपल है? 3 की घात 25 है, 3 का कोई भी मल्टीपल 3 से तो विभाजित होगा ही, इसीलिए 30 जो है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 हुआ है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात कभी भी दिया हो हमेशा उसका अंडर रूट ले लो, आपको भुजाओं का अनुपात मिल जाएगा। 4:2 है तो आंसर आपका इसका अंडर रूट लोगे 2:3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा तय करता है। दूरी का पहला आधा भाग उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय किया, उसने कुल कितनी दूरी तय की? कुल दूरी कितनी तय की? हम जानते हैं कि d/2 = xy/x + y और कुल समय मतलब कि टोटल टाइम को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ। अब ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो मैं सीरीज लेकर गया था उसमें एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था जो कि आपके पेपर में दिखाई पड़ा आज। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स कितना है आपका किलोमीटर प्रति घंटा? 60 है और ये 45। टोटल समय कितना लग रहा है? 15 मिनट की 5 घंटे 15 मिनट, तो 5 घंटे तो ठीक है, लेकिन 15 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब यहाँ से d/2 60 × 45 को ऐसे ही कर लो, 60 × 45 = 105 और ये 15 × 15 = 60 1/4। अभी अगर ये 1/4 है तो 5 × 20 और 21/4 हो गया, 21 × 5 = 105, 5 12 कट जाएगा, 4 3 फिर 3 × 2 ऊपर जाएगा तो 3 × 6 × 45 या फिर ऐसे करो 45 × 90 90 = 270। हमको कुल दूरी बोला है तो मुझे कैपिटल डी के वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया आपका आंसर है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन का स्तर बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि मैंने आपको बताया था बाहर था कि इन टॉपिक्स को देख लेना, इन प्रश्नों को देख लेना, इनके आने की प्रबल संभावना है और हुआ भी वैसे ही। ठीक है ना, जिन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत की होंगे, ज़्यादा ऐसे बहुत बड़े क्वेश्चन तो कब आए नहीं थे, सिंपल से क्वेश्चन थे और मेरे हिसाब से सभी से अच्छा से बना हुआ। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी क्लास में पढ़ाया गया क्वेश्चन है, मतलब कि अभी जो मैंने 3 क्लास लिया था मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास की, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 में से किसी को मैंने बताया ये क्वेश्चन जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस से।
एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि उसमें से 6 रुपए अधिक बेचा होता तो 18% लाभ होता। तो बताइए कितने में खरीदा था। मान लेते हैं 100 में खरीदा था, 100 रेशियो में खरीदा था, 15% का लाभ बेचता है। अब 100 में 15% का लाभ लेगा, 115 में बेचेगा, ठीक है 100 है, 15% का लाभ लेगा, 115 में बेचेगा। यदि आप 6 रुपए अधिक बेचा होता, अब 115 में अगर 6 रुपए अधिक बेचा होता तो 18% लाभ होता, तो 100 में 18% 118, 118 मतलब यहाँ पर कितने रेशियो वाला अधिक बेच रहा, कितने रेशियो का इसको वो ओवर आगे वृद्धि 3 रेशियो की। क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि 6 रुपए अधिक बेचा होता और यहाँ पर 3 रेशियो अधिक बेचा होता, तो ये 3 रेशियो अधिक में वही 6 रेशियो के बराबर है, 6 रुपए के बराबर है। ये हमारा जो 3 रेशियो है, 115 से 118 के बीच में जो डिफरेंस 3 रेशियो है, यही एक्चुअल किसके बराबर है, 6 रुपए के बराबर है। एक रेशियो बराबर 2 रुपए, हमने माना 100 रेशियो, एक रेशियो बराबर 2 रुपए, तो 100 रेशियो बराबर 200 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों में कुल 18 से 25 सेम टू सेम क्वेश्चन क्लास में बताया था कि ये वाला क्वेश्चन देख लेना, इस पर क्वेश्चन चक्रवृद्धि साधारण व्यास से बनते ही है और बिल्कुल मैंने ऐसा ही एक मिलता जुलता सेम फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन बनाया का बोला था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बनाया है। क्या बोला है क्वेश्चन में, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रतिवर्ष साधारण व्यास के दर पर तिगुनी हो जाएगी, तिगुनी मतलब मैं बना पाती कितना प्रतिशत, 25%। समय निकालना है, 25 का 25 25 और 100, 3 में 1 या तो 2, 4 में 8 वर्ष, आंसर डी ऑप्शन। अगला 2/3, 3/5, 7/9, इसमें से बड़ा छोटा वाला है, 2/3, 3/5, 7/9 और 11/13, इसमें सबसे छोटा कौन सा है। देखो हम जानते हैं 1/3 बराबर कितना होता है, 0.33 होता है, लेकिन यहाँ 1/3 का दोगुना है कि नहीं, ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि 1/3 है और ये 2, लिख सकता हूँ बिल्कुल इसको इस प्रकार से, ठीक है। 1/3 का मतलब क्या है, 0.33, मतलब आंसर क्या है, 0.66, क्लियर है। 3/5, 1/5 इंटू 3 बोल सकता हूँ, 1/5 मतलब 0.20 और ये 3, 0.60, अभी तक तो ये छोटा नजर आ रहा है। 7/9 भाग ही दे लो, 9 7 63, अब देखो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर 0.7 मिल गया जो कि बड़ा हिस्से, तो ये तो यहाँ आंसर में शामिल हो नहीं सकता है। 11/13 यहाँ पर भी दे लो, 13 8 104, 0.8, ये भी तो आगे बढ़ गया ना, अब कौन सा छोटा बचा, 0.6, आंसर क्या है, 3/5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तथा बी से बी के मासिक आय का अनुपात 4:3 है, तो उनके मासिक व्यय का अनुपात तो 3:2 है, 6,000 रुपये प्रति माह जाते हैं प्रत्येक, तो हमको बताना है ए की मासिक आय कितनी है। देखो ए ए ए बी 4:3, ये क्या है आपका इनकम का रेशियो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 3:2, हमको बताना है सेविंग, सेविंग किया है यहाँ पर 6,000 रुपये, 6,000 दोनों बचाते हैं, इसको एक्स वाई मान लेते हैं। अब देखो 4x कमाया, हम लाते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही तो होता है सेविंग, 4x कमाया और इसमें से आपने इसको 4x 3x और इसको 3y 2y ऐसे मानते हैं, 4x कमाया 3y खर्च कर दिए, कितना बचाया 6,000 रुपये। बी ने क्या किया, 3x कमाया और 2y खर्च कर दिया, इसने भी कितना बचाया 6,000 रुपये। आपको मान किसका निकालना है, ए की मासिक आय कितनी है, ए की मासिक आय मतलब कि हमको 4x का मान निकालना है, ठीक है ना। हाँ क्या करें, यहाँ पर हमें काम करते हैं y को बैक करते हैं, x का मान चाहिए ना, हमको x से मतलब है, तो यहाँ मैं 2 से गुणा करता हूँ, यहाँ 3 से गुणा करता हूँ, 4 2 8x हो जाएगा, 3 2 6y हो जाएगा, 6 2 12 आ जाएगा, 3 3 9x हो जाएगा, 3 2 6y हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा। अब 9x में से 8x गया तो 1x, ये तो कट जाएगा, -6 -6 आ गया, 12 18 12 गया तो 6,000, x बराबर 6,000 आपको मतलब है 4x से, तो 4x मतलब कि 4 × 6,000 मतलब कि 24,000, कौन से ऑप्शन में है देख लो, आपका वही आंसर है बी। आगे देखते हैं 0.1 का होल स्क्वायर प्लस
0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 0.01 का होल स्क्वायर 0.001 और ये 0.0009। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू में फर्क क्या है। नीचे वाली वैल्यू जो है इसको अगर मैं इसके समान लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर है, 0.01 बोलूँ या 0.1 डिवाइड बाई 10 बोलूँ, कोई फर्क है क्या? नहीं। तो मैं क्या है, नीचे वाली सारी की सारी वैल्यू को बिल्कुल ऐसे लिखता हूँ जैसे कि ऊपर पे से मेच हो। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ कि 0.1/10 का होल स्क्वायर। अगर मैं होल स्क्वायर बोल रहा हूँ इसका मतलब ये भी तो बोल सकता हूँ ना, यहाँ पर लग से स्क्वायर लगा दो, नीचे भी लग से स्क्वायर लगा दो, लगा सकते हैं उसी प्रकार ये कैसा हो जाएगा। तो 0.01/10 इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कहने का मतलब दोनों पे अलग अलग लगा देता हूँ, यहाँ सेम टू सेम स्टेप फॉलो हो जाएगा। ये ऐसा सबकी आधार समान है तो उसको सबको एक साथ में एलसीएम लेता हूँ 10 का स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा नया रूप में है, ठीक है, ठीक है। देखिए सेम सब कुछ एकदम सेम है, पूरा उड़ा दो, 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा ये ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब आंसर आपका 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। शांत जल में एक नाव गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के अनुकूल जाते हुए नाव 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। शांत जल में है कितनी, तो 15 किलोमीटर, धारा की गति है मतलब कि ये है 5 किलोमीटर, तो हम धारा की गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अनुकूल जा रहे हैं तो गति जुड़ जाएगी, गति हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको पूछा क्या है, तो बताओ 15 किलोमीटर में कितनी दूरी तय करेंगे। 20 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कि एक घंटे में 20 किलोमीटर, मतलब आधे घंटे में 10 किलोमीटर, आधे घंटे को और आधा कर दो कितना होता है 15 मिनट होता है, 15 मिनट में 5 किलोमीटर, तो आपका 5 किलोमीटर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। और लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है आपका। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल थे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, ये क्वेश्चन भी क्लास में पढ़ाया गया क्वेश्चन है, अभी मैंने 3 क्लास में लिया था मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, उसी में से ये क्वेश्चन रिपोर्ट किया है। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, चीनी की खपत में कितने कटौती की जानी चाहिए जिससे कि चीनी प्रवाह में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। प्राइस 20% की वृद्धि मतलब कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो प्राइस पहले 5 था अब 1 बढ़ गया तो 6 हो गया। अब बोलते हैं कि व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो, मतलब कि जो आपका कंजम्पशन है जो एक्सपेंडिचर है वो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, और जब भी ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो जो भी रेशियो होता है प्राइस का कंजम्पशन का जस्ट उसको अपोजिट कर दो, 6 से 5 हो जाएगा, 6 से 5 गया तो 1 कम हुआ मतलब कमी तो होगी, कितना कम होगा तो प्रीवियस वैल्यू 6, अब 1/6 × 100 मतलब क्या होता है 16 सही 2/3% की कमी होगी, व्यय में करना पड़ेगा कटौती करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर आपको देख लीजिए 16 सही 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। ये तो थे गणित के सॉल्यूशन, जिनका पेपर अच्छा बना है जिनके क्वेश्चन अच्छे सॉल्व हुए उनके लिए शुभकामनाएं, और बाकी सेक्शन में भी अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए तब जाकर सिलेक्शन होगा, और जिनको ऐसा लगता है कि गणित की में कुछ समस्या है क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व नहीं हो पाते, दिमाग उतने अच्छे तरीके से वहाँ पर जैसा काम करना चाहिए मतलब गड़बड़ी हो जाती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो उन लोग चाहे तो अगर बेसिक सीखना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम करना है, प्ले स्टोर में जाना है, भूपेंद्र मिश्रा ऐप है हमारा उसको इंस्टॉल करना है, और वहाँ पर जो क्लासेस हैं मैथ्स एंड रीजनिंग बिल्कुल सीजी व्यापार में कोई भी एग्जाम देता हूँ बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखने मिलेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन को मैंने उस क्लास में रखा है ना तो कम ना तो ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश है, मैथ्स एंड रीजनिंग 1499 में है, इंग्लिश 499 में है, किसी प्रकार का प्राइस रिश्यू आता है तो बिल्कुल इस नंबर पर आप फोन करके बता सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पर कॉल करके आप प्राइस से रिलेटेड कुछ कम करवाना है तो बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, सॉल्यूशन करने का तरीका कैसा लगा, और अगर पसंद वीडियो आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।